फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम साल भर में जितने भी चर्चा में रहे हैं अनुच्छेद, उनकी यहाँ पर जो है हम चर्चा करेंगे और उनके प्रत्येक पहलुओं को देखेंगे। साल भर कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए 2019 के जून महीने से जो भी अनुच्छेद चर्चा में रहे हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, यहाँ तक कि स्टेट PSC, IAS, बैंक, SSC, रेलवे, उन सभी के लिए ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला वीडियो होगा। इसको आप देखेंगे और हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी EXY अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे XC और प्लस एग्जाम स्टडी EXAM STUDY, तो वहाँ पर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी। और अगला अनुच्छेद जानने से पहले हम भाग के बारे में बात करेंगे, जो हमारे यहाँ संविधान के भाग हैं, भाग एक, भाग दो, भाग तीन, इसी प्रकार से संविधान का भाग 8 है, ये भी चर्चा में था। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, संविधान के भाग 8 में बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन करेगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि संघ राज्य की बात हो रही है, यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, ना कि जो है स्टेट की बात हो रही है। संघ राज्य का मतलब जैसे मान लीजिए आपका जो है पुदुचेरी है, दमन दीव है, आपका दिल्ली है, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर भाग 8 में कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति करते हैं। प्रशासन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं करते हैं, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं, जैसे राज्यों में राज्यपाल होते हैं, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो है वहाँ पर जो है अलग अलग प्रशासक नियुक्त करते हैं। जैसे दिल्ली में जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है उसको उपराज्यपाल कहते हैं, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर बकायदे बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन संसद ने अलग से कोई विधि बना करके विशेष उपबंध ना किया हो। यानी कि अगर किसी भी संघ राज्य क्षेत्र के लिए संसद के द्वारा विशेष उपबंध नहीं बनाया गया है, तो वहाँ का जो प्रशासन होगा वो सीधे सीधे राष्ट्रपति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। उदाहरण के लिए पुदुचेरी राज्य है आपका, जो है संघ शासित क्षेत्र है, पुदुचेरी के लिए 239A के तहत जो है 239A के तहत विशेष उपबंध संसद के द्वारा किया गया है, जिसको 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसी प्रकार से आप दिल्ली के लिए विशेष उपबंध किया गया देखेंगे, जिसमें 239AA का जिक्र आता है। तो यहाँ पर दो अनुच्छेद चर्चा में है, ध्यान में रखिएगा। एक तो 239AA है, जिसमें दिल्ली के लिए संघ शासित प्रदेश जो है केंद्र शासित राज्य दिल्ली के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। पुदुचेरी के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान अनुच्छेद 239A के माध्यम से किया गया है, जिसको 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा जोड़ा गया है। यानी कि भाग 8 में क्या कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति करेंगे, वो अलग बात है कि अपने प्रतिनिधि के द्वारा करेंगे, किस प्रकार करेंगे वो एक अलग बात है। मोटे तौर पर ध्यान रखने वाली बात है कि किस भाग में, किस अनुच्छेद में क्या बात कहा गया है। नेक्स्ट है 266 में संचित निधि का, भारत की संचित निधि का जिक्र है कि भारत की संचित निधि क्या होगी, कौन कौन सी जो है निधियाँ इसमें शामिल होगी। मान लीजिए नहीं, ये हकीकत है कि भारत के जो भी राजस्व होते हैं वो भारत की संचित निधि में ही शामिल होते हैं, ठीक है। उनका संग्रह जो है संचित निधि में किया जाता है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि विधि की सम्मत प्रक्रिया के बिना कोई भी राशि संचित निधि से नहीं निकाली जा सकती। यानी कि किसी भी प्रकार का आपको अगर राशि निकालनी होगी तो संसद के द्वारा बकायदे एक प्रक्रिया जो है वर्णित की गई है, उस प्रक्रिया के माध्यम से ही संचित निधि से राशि निकाली जा सकती है। इसी से जुड़ा हुआ एक अनुच्छेद 267 है, जिसमें आकस्मिक निधि की चर्चा है। तो सवाल पूछा जाता है कि संचित निधि किस अनुच्छेद में आता है या आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में आता है। अगला महत्वपूर्ण जो है भाग है वो है कि 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को हमेशा जो है दल बदल को लेकर के चर्चा में रहती है 10वीं अनुसूची। तो यहाँ पर हम जुड़े हुए तमाम जो है महत्वपूर्ण परीक्षात्मक दृष्टि से तथ्यों को देखेंगे। 10वीं अनुसूची को सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको जोड़ा कब गया था। 52वें संविधान संशोधन जो कि 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान 10वीं अनुसूची में ही है। IAS के पेपर में ये मिलान करने के लिए भी आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है, स्टेट PSC में आ चुका है कि 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून, एक तरफ 10वीं अनुसूची होती है, दूसरी तरफ दल बदल विरोधी कानून दे दिया गया था मिलान करने के लिए। तो दल बदल विरोधी कानून के अधिकार पर ही इसका क्या कहते हैं, दल बदल विरोधी कानून का जो प्रावधान बता है उसमें, उसके आधार पर पीठासीन अधिकारी को ये अधिकार दिया गया है कि संसद के और विधानसभा के किसी भी सदस्य को, माने कि विधानसभा या विधानमंडल दोनों एक ही बात है, विधानमंडल जो होता है उसमें विधानसभा और विधान
मंडल शामिल होता है, विधान परिषद शामिल होता है। विधानमंडल एक जो है पूरा का पूरा अपेक्स बॉडी है, जैसे संसद में लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, ऐसे ही जो है विधानमंडल में विधान परिषद होता है और विधानसभा होती है। तो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी को ये राइट दिया गया है, अधिकार दिया गया है कि किसी भी जो है सदस्य को दल बदल विरोधी कानून के अधिकार पर जो है उसकी सदस्यता से जो है पदच्युत कर सकता है, यानी कि उसको अयोग्य घोषित कर सकता है। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण यहाँ से जुड़ी हुई तथ्य है कि पहले पीठासीन अधिकारी की जो डिसीजन्स होते थे उसको न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं रखा गया था, परंतु की हो तो होलो हल बनाम जी चिल्लू के केस में अब जो है पीठासीन अधिकारी के डिसीजन को न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा गया है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि पीठासीन जो अधिकारी होगा किसी भी अगर सदस्य को अयोग्य घोषित करता है तो उसके डिसीजन को, उसके निर्णय को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया जा सकता है। पहले प्रावधान नहीं था, परंतु की हो तो होलो हल बनाम ये चिल्लू के केस में ये प्रावधान किया गया कि पीठासीन अधिकारी के जो डिसीजंस होंगे उसको न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया जाएगा। अगला अनुच्छेद 356 है। 356 में कहा गया है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान हो सकेगा। जब महाराष्ट्र में राजनीतिक सत्ता को लेकर के कुछ अस्थिरता उत्पन्न हुई थी तो उस समय अनुच्छेद 356 चर्चा में आया, और अनुच्छेद 356 का ये जो प्रावधान है कि संवैधानिक तंत्र की अगर विफलता होती है, यदि राज्यपाल को ऐसा महसूस होता है तो वो राष्ट्रपति को बकायदे रिपोर्ट कर सकता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है जारी किया जाए। तो महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था, परंतु 356(2) भी एक प्रावधान करता है। 356(2) में प्रावधान ये है कि पूर्ववर्ती राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को, मान लीजिए पूर्ववर्ती का मतलब ये है कि राष्ट्रपति ने पहले उद्घोषणा कर दी थी कि अब अमुक राज्य में जो है या किसी भी राज्य में जहाँ पर संवैधानिक तंत्र की विफलता थी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन होगा, तो उस उद्घोषणा को बाद में नई उद्घोषणा के माध्यम से वापस लिया जा सकता है। यानी कि 356(2) में राष्ट्रपति शासन के वापस लिए जाने का जो है प्रावधान है, उसका जिक्र है, ऐसा यहाँ पर हो चुका है। तो दो चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण है, एक तो 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन लगेगा संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, उसका उदाहरण महाराष्ट्र है, अभी रिसेंट का है, और 356(2) है जिसमें राष्ट्रपति शासन को बाद में नई घोषणा के माध्यम से वापस लिया जा सकता है, इसका जिक्र है। और अगला अनुच्छेद 330 है। क्या है? 330 है। 330 में कहा गया है कि लोकसभा में एससी एसटी को आरक्षण देने का प्रावधान है। इसी प्रकार से आर्टिकल 332 है। 332 में कहा गया है कि जो विधान परिषद होगी वहाँ पर जो है, विधान परिषद नहीं होगी, विधानसभा जो होगी वहाँ पर, माफ़ करिएगा, विधान परिषद यहाँ पे नहीं होगी, विधानसभा जो होगी वहाँ पर एससी एसटी समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान है। जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ जो है एससी को जो लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है वो 84 सीट है, और वहीं पर जो है एसटी को जो प्रावधान है वो 47 सीटों का है। तो इस रिजर्वेशन की बात लोकसभा में और विधानसभा में अनुच्छेद 332 के द्वारा एससी एसटी और 330 के द्वारा एससी एसटी लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है। अगला अनुच्छेद 174 है, और अनुच्छेद 174 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राज्यपाल की शक्तियों से, कि राज्यपाल के विधानसभा के संबंध में क्या क्या शक्तियाँ होंगी। ठीक है, अनुच्छेद 174 में कहा गया है कि राज्यपाल विधानसभा के सत्र को बुला सकता है, उसके बाद में सत्रावसान भी कर सकता है, यानी कि सत्र राज्यपाल ही बुलाएगा, और सत्रावसान जो होगा यानी कि उसका जो है सत्र का विघटन जो होगा वो भी राज्यपाल ही कर सकता है, और अपने स्वविवेक का प्रयोग करने की भी जो उसकी स्वतंत्रता है, यानी कि मंत्रिपरिषद के द्वारा जो उसको सुझाव दिए जाते हैं वो ना मानने की जो बाध्यता है, इस विषय में प्रावधान भी अनुच्छेद 174 में किया गया है। और अगला अनुच्छेद है 80A, आर्टिकल 80(1)(a), यानी कि 80 का उपखंड ए, उसका उपखंड 80 का उपखंड एक और उसका उपखंड ए। ये अनुच्छेद चर्चा में तब था जब पूर्व CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की राज्यसभा में नियुक्ति हुई थी। रंजन गोगोई की नियुक्ति राज्यसभा में हुई थी। तो अनुच्छेद 80(1)(a) के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है, किसको? राष्ट्रपति को, कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकता है।
कितने सदस्यों का, 12 सदस्यों का। और यह मनोनयन किन विषयों से होगा उसका जिक्र 83 में किया गया है। 83 में कहा गया है कि राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान कला एवं समाज सेवा से संबंधित जो है विषय विशेषज्ञ या इस क्षेत्र में काम करने वाले अपनी भूमिका अदा करने वाले लोगों को अनुच्छेद 81A के तहत राज्यसभा में उनको बतौर सदस्य नियुक्त कर सकता है। और आपको पता होगा कि राज्यसभा में जो सदस्य नियुक्त होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये अलग बात है कि किस राज्य से कितने प्रतिनिधि होंगे उसका भी विवरण जो है किया गया है संविधान में। और उसका विवरण किया गया है कहाँ पे, अब इसको भी देख लेते हैं। ये किया गया है अनुसूची 4 में, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले अनुसूची 10 पढ़ी थी वैसे अनुसूची 4 में इसका प्रावधान किया गया है। देखते हैं क्या है। अनुसूची 4 में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का जिक्र है कि किस राज्य की किस संघ शासित क्षेत्र की कौन सी कितनी सीटें होंगी उसका जिक्र है। इसका भी जिक्र है कि प्रतिनिधित्व किस प्रकार का होगा, माने कि दोनों बातें सेम वही हैं कि कितने लोग होंगे, ठीक ना, लोग कितने होंगे उसका जिक्र है कि किस राज्य से कितने लोग राज्यसभा के लिए होंगे उसका भी जिक्र है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 81A की प्रक्रिया जो है कहाँ से ली गई है। ये अधिकतर पूछा जाता है कि किस राज्य से इसको लिया गया, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से मनोनयन की प्रक्रिया को लिया गया है।